Hey guys, आज मैं आपको बताऊंगा आयरन मैन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों आयरन मैन मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। आयरन मैन का पहला पार्ट आया था 2008 में और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि आयरन मैन 1 का बजट बहुत ही कम रखा गया था, क्योंकि दोस्तों 2007 में मार्वल का एक कैरेक्टर को मिक्स रिस्पांस मिला था और उस कैरेक्टर का नाम था स्पाइडरमैन। यानी कि 2007 में स्पाइडरमैन 3 आई थी। स्पाइडरमैन 3 को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही मिक्स रिस्पांस मिला था। इसी वजह से मार्वल आयरन मैन पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती थी। क्या दोस्तों आप जानते हैं आयरन मैन का बजट कितना था? दोस्तों आयरन मैन का बजट था $140 मिलियन। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इस मूवी ने कमाए थे $600 मिलियन। दोस्तों आयरन मैन के लिए हॉलीवुड के सबसे बेस्ट डायरेक्टर जॉन फेवरो को लिया गया था। इंडियन करेंसी के हिसाब से आयरन मैन 1 का बजट था 900 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 4000 करोड़ रुपए और इस मूवी के डायरेक्टर का नाम था जॉन फेवरो। दोस्तों आप जॉन फेवरो को तो जानते ही होंगे, जिसने दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी जंगल बुक बनाई थी। दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आगे आयरन मैन की नेक्स्ट रिलीज के बारे में और उस मूवी का नाम है आयरन मैन 2। दोस्तों आयरन मैन 2 आई थी 2010 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। आयरन मैन 2 रिलीज हुई थी 7 मई 2010 में और इस मूवी का रनिंग टाइम था 125 मिनट। दोस्तों आयरन मैन 2 का बजट था $200 मिलियन। आयरन मैन 2 का बजट आयरन मैन 1 से ज्यादा था। क्या दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी ने कितने रुपए कमाए थे? दोस्तों आयरन मैन 3 ने $630 मिलियन कमाए थे। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 1300 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 4000 करोड़ रुपए। आयरन मैन 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने और दोस्तों आयरन मैन 2 को भी डायरेक्ट किया था जॉन फेवरो ने। दोस्तों आयरन मैन 1 के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बहुत ही ज्यादा तारीफ होने लगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आयरन मैन की नेक्स्ट रिलीज के बारे में और उस मूवी का नाम था आयरन मैन 3। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि आयरन मैन 3 को जॉन फेवरो ने डायरेक्ट नहीं किया था। आयरन मैन 3 को डायरेक्ट किया था सैन ब्लैक ने। क्या दोस्तों आप जानते हैं आयरन मैन 3 को जॉन फेवरो ने क्यों नहीं डायरेक्ट किया था? क्योंकि दोस्तों जॉन फेवरो उस टाइम पे जंगल बुक की शूटिंग कर रहे थे। आयरन मैन 3 आई थी 2013 में और दोस्तों आयरन मैन 3 दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन गई। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि मार्वल की ये पहली मूवी थी जिसने 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। क्या दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी का बजट कितना था? दोस्तों इस मूवी का बजट था $200 मिलियन और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इस मूवी ने $1.2 बिलियन कमा लिए। दोस्तों इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 1300 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 60,800 करोड़ रुपए। दोस्तों आयरन मैन 3 रिलीज हुई थी 3 मई 2013 में और इस मूवी का रनिंग टाइम था 130 मिनट। दोस्तों इस मूवी को 2 कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहली कंपनी का नाम है वॉल्ट डिज्नी और दूसरी कंपनी का नाम है मोशन पिक्चर्स और दोस्तों ये सब सैन ब्लैक की वजह से हो पाया। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।